नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी फेज़ 12th नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें फॉर्म आपके एसएससी का पहला फॉर्म है और जो फॉर्म भरने आपके स्टार्ट होंगे 26/2/2024 से लगा करके 18/3/2024 लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और आपका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो 6 से 8 मई 2024 टेंटेटिव डेट दी गई है इनकी। टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं और क्या क्या है इसमें प्रोसेस, सब कुछ बात करेंगे। टोल फ्री नंबर, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये एक अच्छा किया एसएससी ने, ये टोल फ्री नंबर इस बार दे दिया। कौन कौन सी टाइप की डिसेबिलिटी भर सकते हैं इसमें, VH, OH, HH और आपका अदर। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया कि इसमें VI वाले नहीं भर सकते या 1 लाख, 2 लाख कोई नहीं, सब भर सकते हैं। टोटली एज रिलैक्सेशन जो है, जो आपका 2/1/1999 से लगा करके इससे बाद का और दो इससे पहले का ना हो, 1999 से और 2006 के बाद का ना हो कोई भी कैंडिडेट। 18 से 25 एज है कुछ के लिए 18 से 27 है, कुछ एज के लिए पोस्ट के लिए 18 से 28 भी है, 18 से 30 भी है, 18 से 35 भी है। ठीक है, तो ये पोस्ट टू पोस्ट डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट इसमें डालोगे। एज रिलैक्सेशन है PWD कैंडिडेट को 10 साल का है और बाकी PWD OBC को 13 साल का, PWD ST ST को 15 साल तक का रिलैक्सेशन है। अगर आपकी एज किसी के भी फॉर्म में अगर कंप्लीट हो चुकी है तो इतना इतना रिलैक्सेशन आपको सभी फॉर्म में मिलता है। इसमें दोस्तों जो है टोटल 3 तरह की पोस्ट हैं। देखिए 40% मिनिमम आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्काइप के बारे में सारा कुछ डिटेल में इसमें दिया हुआ है, 9.1, 9.2, 9.3 पे स्काइप के बारे में, और 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप स्काइप की फैसिलिटी लेना चाहते हो तो। क्वालिफ़िकेशन की बात करें दोस्तों, इसमें ऐसी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी 10th पास भी आप भर सकते हैं, 12th पास वाले भी भर सकते हैं और ग्रेजुएशन पास वाले भी इसमें भर सकते हैं। तीनों तरह के इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपकी 100 रुपये है, वो भी जनरल कैटेगरीज़ के लिए है और OBC EWS के लिए, बाकी ST ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जेम्प्ट है, कोई फीस नहीं है इसमें। ये सब एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं SSC ने। CR में अगर आपको डालना है तो कहाँ कहाँ आप फॉर्म भर सकते हैं, कहाँ कहाँ का आप सेंटर डाल सकते हैं, सेंटर दिए हुए हैं जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, इन सब में आप डाल सकते हैं। अगर आपको ईस्टर्न में डालने हैं तो ये सब आप देख सकते हैं, कोलकाता, सिलीगुड़ी, गंगटोक। ठीक है, बाकी आप मध्य प्रदेश में, नॉर्थ में आप भर सकते हैं, दिल्ली, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिलेबस देख लें आप इसमें क्या क्या सिलेबस हैं। तो 60 मिनट में आपको टोटल क्वेश्चन करने हैं, 25 25 25, टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं, 200 नंबर के हैं, और 60 मिनट मिलेंगी, 80 मिनट मिलेंगी उन लोगों को जिनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है जो स्क्राइब वाले हैं, और 0.50 1/4 की निगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, सिलेबस आपका सेम रहेगा जो भी है। मैट्रिकुलेशन के लिए ये सिलेबस है, यानी कि 10th पास के लिए सिलेबस दिया हुआ है, 10th+2 के लिए भी, ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी, सब आप इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। चलिए हम सीधे बात करते हैं जो मेन मुद्दा है वैकेंसीज़ के ऊपर। ठीक है दोस्तों, टोटल कितनी कितनी वैकेंसीज़ कहाँ कहाँ दी हुई है, फ़ोटो वगैरह में वही सब आप गलती ना करें, और इससे पहले आप SSC की साइट पर, अब नया OTR खुला है, उस OTR को पहले फिलअप कर लें, उसके बाद आप जा करके कहीं ना कहीं अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहले आपको OTR इसमें फाइल करना पड़ेगा। देखिए चश्मे की का आप बिल्कुल भी गलती ना करें, चश्मा ये सब गलत हैं, ये सब गलत तरीका है चश्मे का। ठीक है, ये सब गलत तरीका है,
ये अलाउड है, सिर्फ इस तरीके का आपको फ़ोटो होना चाहिए, कोई चश्मे वगैरह, कोई दिलचस्प फ़ोटो, बिल्कुल साफ सही हो, सही सही तरीके से आप फ़ोटो को लगाएं, वरना फ़ोटो रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा वैकेंसीज ये दी हुई है, ये आपकी इधर दिया हुआ है कौन से रीजन में है, ये पोस्ट का नंबर है, ये भी भरना पड़ेगा आपको, ये पोस्ट नेम है और ये डिपार्टमेंट है, कहाँ पर आपकी कौन से डिपार्टमेंट में जॉब लगेगी, एज है 18 से 25, इसमें प्लस रिलैक्सेशन कर सकते हैं अगर आपकी 25 से एज ऊपर हो चुकी है और आप PWD है, ये लेवल है कौन से लेवल की है, और ये आपकी मतलब आपको 10th पास होना चाहिए इसमें, इस वैकेंसी को भरने के लिए 10th पास, इसको 12th पास होना चाहिए। अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग फॉर्म फिलअप होगा और एग्ज़ाम इनके सिर्फ 3 ही होंगे, 10th के हिसाब से, 12th के हिसाब से, ग्रेजुएशन के हिसाब से, ठीक है। और फीस तो हैंडीकैप कैटेगरी की लगने वाली ही नहीं, क्योंकि उन लोगों की 0 फीस है। ये 3 कैटेगरीज हैं आपकी, 4 कैटेगरीज यहाँ से लगा करके, यानी कि 4 कैटेगरीज आपकी हैंडीकैप कैटेगरी में हैं। सबसे पहले OH, HH, VH और अदर। एक वैकेंसीज है आपकी यहाँ पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर, ये फरीदाबाद फोरमैन की, इसमें एक वैकेंसी दी हुई है हैंडीकैप की, यहाँ पर एक वैकेंसी दी हुई है, इसमें भी एक वैकेंसी दी हुई है, लेवल 1 की पोस्ट है, जो कि आपकी किसकी दी हुई है, ये दी हुई है VH की, ठीक है, 10th पास, और ये भी लेबोरेटरी अटेंडेंट की दी हुई है। इसमें नीचे इनकी क्वालिफिकेशन भी लिखी हुई होंगी, आपको क्या मिनिमम मतलब इनके अलावा एक्सपीरियंस वगैरह भी इनमें काफ़ी पोस्ट में चाहिए होता है, तो ये सब आप तो नोटिफिकेशन में डिटेल में चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसीज, किस कौन सा डिपार्टमेंट आपको भरना है उसी के हिसाब से, ठीक है। वो तो आप सब जब आप अपना नोटिफिकेशन में देखोगे कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी जॉब है और कौन सी कैटेगरी की, जैसे ये कैटेगरी है आपकी VH कैटेगरी में लेवल 6 की है, ग्रेजुएट की है, तो इसके लिए आपको अलग से एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। लास्ट में देख लेते हैं टोटल कितने 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 वैकेंसीज हैं डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए। तो टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 2049 हैं, और OH के लिए आपकी वैकेंसी जो हैं वो 40 वैकेंसीज हैं, काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, अच्छी वैकेंसीज हैं, और 26 वैकेंसीज हैं आपकी HI के लिए, 25 वैकेंसीज VI के लिए, ओ सॉरी सॉरी, एक सर्विसमैन की, एक सर्विसमैन की हैं ये वैकेंसीज, यहाँ से थी आपकी, ये OH की वैकेंसीज हैं, ये HI की वैकेंसीज हैं, और ये VH की वैकेंसीज हैं, ये HH की वैकेंसीज हैं, ठीक है, वो 40 वैकेंसीज जो काफ़ी लग रही थी, तो ये एक्स सर्विस मैन की यहाँ से थी आपकी, ठीक है, लास्ट वाली, यानी कि 26 वैकेंसीज हैं OH की, और VH की वैकेंसी, HI की वैकेंसीज 25 और VH की 10 और 7 वैकेंसीज हैं। इस तरीके से आप इन वैकेंसीज में जो भी आपको वैकेंसीज इनमें दिख रही है डिटेल में, आप नोटिफिकेशन को देख करके वैकेंसीज फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। देखिए आप जिस भी डिपार्टमेंट को देखेंगे उसकी कट ऑफ को आपको पिछले साल का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो भी SSC फेज 12th की कट ऑफ आई थी, उस कट ऑफ को देख करके आप पहली कट ऑफ को मत देखिएगा, फाइनल कट ऑफ को देखिएगा, क्योंकि पिछली बार पहली कट ऑफ काफ़ी काफ़ी कम नंबर पर लगी थी, काफ़ी डिफरेंस होता है उनमें, और बाकी लास्ट में कट ऑफ बढ़ जाती है, तो फाइनल जब भी आप हैंडीकैप कैटेगरी की कट ऑफ देखा करो कभी भी, तो फाइनल कट ऑफ देखा करो, प्री की कट ऑफ कभी भी मत देखा करो, क्योंकि प्री की कट ऑफ हमेशा कम लगती है इन एग्जाम्स में, ठीक है, SSC के एग्जाम्स में कंपेरिजन टू मेन्स, और जो फाइनल कट ऑफ होती है DV वगैरह के बाद की, जो भी DV से पहले भी, जो भी, उस कट ऑफ को आप देखा करो। धन्यवाद दोस्तों।